हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दुष्यंत और आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीज योर सेक्स अपील। मतलब बहुत सारी लड़कियों के ऊपर रिसर्च हुई थी, उनको ऐसे क्या क्या ट्रेंड्स लगते हैं मर्दों में जो कि उनको बहुत ज्यादा सेक्सी लगते हैं। वीडियो एंड तक देखना, वीडियो के कहीं बीच में मैंने एक टेस्ट डाला आपकी सेक्स अपील का। इस टेस्ट को अगर आपने पास कर लिया, मतलब आपके जितने ज्यादा परसेंटेज आएंगे उस हिसाब से आपकी जो सेक्स अपील है वो आउट ऑफ 100% आएगी। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहला और ये इंपॉर्टेंट है और ये मेरे में तो है नहीं, तो वो है म्यूजिक का टैलेंट। मतलब म्यूजिशियंस उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, गिटार बजाने वाले नहीं, स्पेशली गाने वाले। क्यों? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, लड़के गाने सुनते हैं बट लड़कियां गाने बहुत ज्यादा सुनती हैं। वो गाने सुनती हैं, उनको एक एक वर्ड पता नहीं क्या, उनको एक एक वर्ड का मतलब होता है, हर एक चीज उन्हें पता होती है। तो ये लोग क्या है, बहुत ज्यादा ध्यान देती है। इनफैक्ट मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स रही हैं उन सबके जो भी क्रश थे वो सिंगर्स थे। सबसे पहला जहां तक मेरे को याद है वो दर्शन रावल, दूसरा किंग, और मतलब इस टाइप के लोग हैं जो थोड़ा अभी, मतलब अभी तो यार मेरे को भी एक बंदा बहुत अच्छा लगता है, अनुज जैन, बहुत अच्छे गाने गाता है, ये गाने एक्चुअल में बहुत अच्छे गाता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट है इड्रिस एल्बा को वर्ल्ड का एक टाइम पर सेक्सीएस्ट मैन बोला गया था। क्यों? इड्रिस एल्बा की सबसे पहली चीज़ स्किन डार्क है, मतलब ही इज ब्लैक, और उनकी आँखें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। लड़कियों को ये जो ट्वाइलाइट के जो लोग हिट हुए थे, क्यों हुए थे? इनकी आँखें इतनी सुंदर थी। दूसरी चीज़ है वॉइस, लाइक भारी आवाज ऐसे, तो जो हमारी सुबह आवाज होती है वो लड़कियों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब भारी आवाज होती है, ऐसे नहीं वोई, वोई। ये वाली आवाज अच्छी लगती है, बट किसी किसी की है तो क्या कर सकते हैं। अभी एक मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक लड़के की आवाज, भाई साहब इतनी सेक्सी आवाज थी, जैसे वो कैमरा शिफ्ट हुआ उसकी शक्ल की तरफ, मतलब ही वाज लाइक हाय। बहुत सही तीसरी चीज जो लड़के को बहुत ज्यादा सेक्स लगती है वो लगती है अपीयरेंस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो गुड लुकिंग है वही, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिए म्यूजिशियन हो गए, आईज और वॉइस, ये तो चलो फिजिकल ट्रेट्स में आ गए, आईज और वॉइस तो, म्यूजिक तो कोई टैलेंट है नहीं बट वो भी लड़के को सेक्सी लगता है ना। तो मैं आपको बस सिंपल सी चीज बताऊं, नो मैटर, वैसे तो हर कोई सुंदर है, हर कोई खूबसूरत है अपने अपने उसमें, बट आप थोड़ी सी अगर अपने अपीयरेंस पर काम करें तो वो अच्छा लगेगा। मतलब आप ठीक ठाक से कपड़े पहने, अपना फैशन सेंस ढूंढे। मैं फंकी ज़्यादा कपड़े नहीं पहन सकता, मैं बीच के पहनता हूँ, वो भी ये है क्योंकि मेरा काम है, वरना मेरे को इतने ज़्यादा लाउड कपड़े पहनने का शौक नहीं है, मेरे को सही नहीं लगता। बट मैं बीच का चलता हूँ कि मैं थोड़ा सा यू नो यंग जनरेशन में मिक्स हो जाऊँ, तो ये करके मैं अपना अपीयरेंस बनाता हूँ जो मेरा काम है उससे रिलेटेड। तो सेम चीज़ आपको करनी है, आप जो भी काम करते हो या आप जहाँ पर भी हो, आप थोड़ा सा अपना अपीयरेंस के ऊपर काम करोगे वो आपके लिए बेटर है। आप जब भी आप जॉब या कुछ करने जाओगे तो उसमें वो चीज़ें प्लस पॉइंट देती हैं, नेगेटिव नहीं होता बट प्लस पॉइंट जरूर होते हैं उसके। फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत कॉमन है, वो है बॉडी बट नॉट सो बिग। मतलब उन्हें बिल्कुल ऐसे यू नो बड़े बड़े वो नहीं चाहिए, रोनी कोलमैन नहीं उन्हें चाहिए। लड़कियों को सबसे ज़्यादा बॉडी किसकी अच्छी लगती है मैं बताऊँ, वो है ऋतिक रोशन की। क्यों? क्योंकि उनके लिए ऋतिक रोशन की आंखें बढ़िया, ऋतिक रोशन के बाल बढ़िया, ऋतिक रोशन की हाइट बढ़िया, ऋतिक रोशन की बॉडी बढ़िया, मतलब हर चीज़। एक तो पता नहीं ऊपर वाले ने उस बंदे को अलग ही बनाया, कुछ अलग ढांचा है उनका। मैं आपको बताऊँ, टाइगर श्रॉफ की बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर बट उन्हें ऋतिक की बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप समझ रहे हो ना किस बॉडी टाइप की बात कर रहा हूँ, लीन फिजिक की। इतने इतने बड़े बड़े डोले चाहिए हम लड़कों को, चाहिए इतने इतने बड़े बड़े डोले, मेरे को चाहिए 20 इंच का, बट वो मरेंगी सिर्फ उस पर। तो मैं बस सिंपल सी आपको बताऊँ, आपको बॉडी ऐसी खतरनाक नहीं बनेगी बट आपको लीन रहना, कि जब भी आप कपड़े उतारो ना तो मतलब डिसेंट बॉडी दिखे। फिफ्थ ट्रेट है लीडरशिप। मतलब लीडरशिप मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कभी भी आपने रुक के रास्ता लड़की से किसी से पूछा है इन जनरल अपनी लाइफ में, याद करो, पूछा है? नहीं पूछा ना, हमेशा हमेशा लड़के से पूछा होगा ना, अंकल से पूछा होगा ना। तो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, उनका दिमाग वैसे बहुत चलता है बट उनका दिमाग ये चीज़ होती है कि हम तुम्हारी कार में या बाइक में या कहीं भी बैठे, तुम्हें अपना दिमाग चलाना है कि तुम्हें कहाँ लेके चलना है, ये सब। तो उन्हें लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, उन्हें कोई गाइड करने वाला चाहिए। मैं ऐसे हर लड़की की बात नहीं कर रहा बट मैं मेजोरिटी लड़कियों की बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और जितनी भी जो स्टडी हुई है जहाँ से हमने डेटा लिया है वहाँ से। तो लड़कियों को लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। कल को उन्हें हर चीज़ में दिमाग नहीं चलाना भाई, वो घर संभालेंगी या मान लो अपने ऑफिस काम करेंगी, जो बाहर की चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें उनमें उन्हें एक लीडर चाहिए। क्यों? ये चीज़ें उनमें कहाँ से आती हैं? ये चीज़ें उनमें आती हैं अपने फादर को देख के। हर घर का फादर के मेजोरिटी जो डिसीजन होते हैं फादर लेते हैं, फादर ही बताएंगे अपने बेटे को या अपनी बेटी को आपको ये करना, तो वो कहे हम नहीं चलाएंगे अपने दिमाग, पापा चलाएंगे। सेम गोस टू उसको अपने पति में ये चीज़ें देखनी है, ये होता है लीडरशिप का मतलब। सिक्स पॉइंट है बैड बॉय। अब हर कोई तो बैड बॉय नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, बट बैड बॉय वो किस सेंस में बोल रही है? बैड बॉय सपोज करो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि किसी ने उसको छेड़ दिया, अब उस टाइम पे वो कोई सीधा लड़का तो बचा नहीं पाएगा, टाइम पे तो उसे हरामी चाहिए। तो ऐसी पर्टिकुलर कुछ कुछ जगह पे उसको बैड बॉय चाहिए कि हाँ इसको ऐसी सिचुएशन में ये लड़का पैनिक नहीं करेगा। अब मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूँ, इसके बीच में आपको ये सेक्स अपील का ये टेस्ट पास करना
करना है, इनको क्वेश्चन देना है, आपको यस और नो पे टिक करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आउट ऑफ 6 सवाल आपके कितने ज्यादा राइट है और कितने ज्यादा रॉन्ग है, तो उसी हिसाब से परसेंटेज हम डिसाइड करेंगे। सपोज करो 6 में से 3 आए तो 50%, 6 में से 4 आए तो इतने एक्सपेक्टेड परसेंट। सबसे पहला सवाल है डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, यस और नो में जवाब दो। दूसरा क्वेश्चन है डू यू नो सेल्फ डिफेंस, तीसरा क्वेश्चन है क्या आप भीड़ को देख के या भीड़ में जब भी आप अपनी बंदी को लेके जाते हो तो आप नर्वस हो जाते हो। सेम गोस टू चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन, इन सबको देखो, एनालाइज करो, सब पे टिक मारो तो बहुत अच्छे हो, सब पे रॉन्ग है तो तुम्हारी फट चुकी है, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। मेरे को कमेंट में बताओ कि भाई आउट ऑफ 6 आपके कितने ज्यादा टिक हैं। सेवन पॉइंट है, अब सेम ये चीज कॉन्ट्रडिक्टरी है, बैड बॉय से और शिवनली। शिवनली का मतलब होता है लड़कियों को शाहरुख खान क्यों पसंद है, शिवनली। शाहरुख खान इज द बेस्ट होस्ट बोला जाता है कि वो आपको इतना इंपॉर्टेंट फील करा देते हैं शाहरुख खान जब भी वो पृथ्वी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। तो शिवनली का मतलब है कि जब भी लड़की बैठ रही है, देखो बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जब भी लड़की बैठती है ना, अब हम लड़के क्या हैं, ये कुर्सी रखी है ऐसा करके बैठ गए, ये हमारे लिए नॉर्मल है। अब लड़की क्या है, जींस पहनी है तो ठीक है, बट अब लड़की क्या है, सबसे पहली बात, जब भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में लेके जा रहे हो, ये कुर्सी हल्की है, वो खींचेगी तो उसकी ताकत लगेगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है, आप सोचते हो कि मैं उसका गुलाम हूं, बट अगर आप प्रैक्टिकली उसमें जाओगे ना तो ये चीजें टफ है उसके लिए। तो अब हमारे लिए क्या है, हमने पिछवाड़े से धक्का दिया है, कुर्सी पीछे हुई, अब उसको क्या नाम है, खींचना पड़ेगा, वो खींचने उसकी ऐसा करके ताकत लग जाएगी। तो आपको बस सिंपल सी करना है, कुर्सी खींचनी है। अब कभी कभार उसने ड्रेस पहनी है, तो लड़की ड्रेस अगर पहनेगी, शॉर्ट ड्रेस है, तो वो कभी भी आपने देखा होगा हमेशा क्या नाम है, पैर ऐसे करके बैठती हैं। ये चीज है, मैं अब जो है वो है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो आपको क्या कर रहा है, शिवलिंगी का मतलब होता है थोड़ी सी कुर्सी खींच दी, उसको बैठने में मदद कर दी, गेट खोल दिया, मतलब बहुत सारी चीजें होती है यार, ये बहुत सिंपल सी बात है। कभी भी आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में आजकल बड़े बड़े गेट होते हैं, लकड़ी के होते हैं बड़े बड़े, आप धक्का दो तो आपको भी थोड़ी सी पावर फील होती है कि हाँ भाई धक्का देने में, अब तुम उससे पहले खुलवा रहे हो, उसकी आधी छोटे से उसके हाथ में उसकी आधी जान तो वहीं पे लग रही है। तो ये होती है शिवलिंगी, तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखा करो, इसमें आप घिस नहीं जाओगे, इसमें आप जेंटलमैन ही बनोगे। कल को हम अपनी मम्मी अम्मी के लिए भी तो ये सब चीजें करते हैं, मेरी माँ साड़ी पहनती है, तो कभी कभार हम जाते हैं तो हम कुर्सी खींचते हैं, क्यों, क्योंकि उनको दिक्कत होती है। 8th पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्मेल। इनकी नाक और इनकी आंखें बड़ी तेज होती हैं, और सेम गोज टू मतलब शाहरुख खान के एग्जांपल ले लो, उनकी में से बहुत अच्छी खुशबू आती है ऐसा लोग बताते हैं। अभी तक हमने भी काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज देख लिए, ये सब बहुत खुशबूदार तो होते हैं भाई, जब जब कोई निकल रहा होता है ऐसा खुशबू आती है, अगर वो वहां से चल के आ रहा है ना, बगल से निकला तो यहां से मेरे को पता जाएगा खुशबू, मतलब बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस होती है यार। 200 रुपए का डीओ भी ले लो खुशबू, वो भी देगा, थोड़ी सी कम देगा, मतलब कम लंबी चलेगी बट वो देगा। तो ये आपके बजट के ऊपर है, बट आप में से अच्छी स्मेल आनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।